नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज इफ़ द मास ऑफ अर्थ इज एट्टी टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अ प्लानट एंड डायमीटर इज डबल दैट ऑफ द प्लानट जी ऑन अर्थ इज नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लानेट विल बी हमारे ऑप्शन है फोर पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर पॉइंट नाइन एट पॉइंट फोर नाइन या फिर फोर्टी नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना सवाल मुश्किल नहीं है बड़ा सिंपल सवाल है हम यहाँ पे uh, यूज कर सकते हैं जी की वैल्यू होती है जी एम बाई आ स्क्वायर इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगेन रेशो का सवाल है सो so, किसी भी प्लानट पर अगर आप जी की वैल्यू लिखेंगे उस प्लानट पर डिवाइड बाय जी ई e करेंगे सो जी कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल मास ऑफ प्लानट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ प्लानट इसके स्क्वायर uh, इसकी वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं नॉ जी को भी हम उधर ले जाएं इस G को भी हम यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा ना यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि G प्लानट पे जब हमें बताना है मास ऑफ जो प्लानट है मास ऑफ अर्थ इज़ 80 टाइम्स डेट ऑफ द प्लानट सो अगर मास वो है तो दिस विल बिकम 1 बाई एट्टी और हमें जो रेडियस दिया हुआ है उस प्लानट का कि uh, यहाँ पे हमें दिया है डायमीटर इज डबल ऑफ द प्लानट पर यहाँ पे हम क्योंकि रेडियस करें डायमीटर करें रेशियो अगर डबल है तो डायमीटर का डबल है तो रेडियस का भी डबल होएगा सो हम यहाँ कह सकते हैं टू uh, का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नाइन पॉइंट एट सो दिस विल गिव आर आंसर सो ये आ जाएगा अपना जी पी विल बी इक्वल टू फोर डिवाइड बाई एट्टी मल्टीप्लाइड बाई नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट एट फोर बाई एट्टी को करेंगे सो so ये वन बाई ट्वेंटी बन जाएगा सो वन बाई ट्वेंटी का मतलब हो गया फोर पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो सॉरी दिस विल बी पॉइंट फोर नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हैंस ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर